राजस्थान के पोखरण में आज भारत का वो दम दिखेगा जिसके बाद दुनिया भारत की बढ़ती ताकत की मुरीद हो जाएगी, वहीं दुश्मन थर थर कांपेंगे। आज पोखरण में एक साथ थल जल और वायु सेना की ताकत पूरी दुनिया देखेगी। पोखरण में आज तीनों सेना एक साथ सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, तीनों सेना के इस युद्धाभ्यास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे। भारतीय सेना की ताकत को प्रधानमंत्री देखेंगे। आज हो रहे युद्धाभ्यास की सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज सिर्फ स्वदेशी हथियार शामिल होंगे। आज हो रहे युद्धाभ्यास की एक एक खबर आप तक सबसे पहले टीवी 9 भारत वर्ष पहुंचाएगा, क्योंकि टीवी 9 पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है और तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि आज पोखरण में भारतीय सेना की अद्भुत ताकत नजर आएगी। ये पहली बड़ी खबर इसको लेकर जहां भारत की तीनों सेना एक साथ एक्सरसाइज करने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी तीनों सेना की एक्सरसाइज में शामिल होंगे। भारत शक्ति में दिखेगा मेक इन इंडिया हथियारों का दम, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां देखिए किस तरीके से अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद साक्षी होंगे, सेना की एक्सरसाइज में शामिल होंगे। पोखरण युद्धाभ्यास को लेकर आज की ये सबसे बड़ी खबर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जिस तरीके से ये युद्धाभ्यास होगा, भारत की ताकत देखने को मिलेगी। भारतीय सेना की ताकत के प्रदर्शन के तहत आज की ये खबर बड़ी है। मेक इन इंडिया का दम, पोखरण में शौर्य का प्रदर्शन। हालांकि इस बारे में लगातार आपको बता दें, मेरे सहयोगी इस वक्त सुमित चौधरी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और सुमित, इसी के साथ हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि पोखरण में भारत शक्ति, मोदी बनेंगे साक्षी। अगली बड़ी खबर सुमित। देखिए निश्चित तौर पर, देखिए पोखरण युद्ध अभ्यास में शामिल होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। आज पोखरण युद्ध अभ्यास में शामिल मैं होऊंगा, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पोखरण से हर भारतीय का भावनात्मक लगाव है, यानी एक 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 इमोशनल टच है और पोखरण में सेनाओं का युद्धाभ्यास देखने को मिलेगा। खास बात यह भी कि आज के युद्धाभ्यास में हथियार प्रणाली भी शामिल होंगी, यानी एक लाइव डेमो होगा। भारत को रक्षा में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है ये युद्धाभ्यास। ये सारी बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने इस युद्धाभ्यास को लेकर कही है। लेकिन पोखरण में आज होगा क्या और प्रधानमंत्री किस तरीके से भारत की शक्ति देखेंगे, इसी बारे में इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखते हैं, क्योंकि थल जल और वायु सेना की ज्वाइंट एक्सरसाइज को लेकर यह खबर है। आपको बता दें 50 मिनट तक तीनों सेनाओं का बड़ा युद्ध अभ्यास होगा और सिर्फ स्वदेशी हथियारों से आज एक्सरसाइज की जाएगी। सुमित जी, हाँ, मेक इन इंडिया के तहत बने इन हथियारों का प्रदर्शन किया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का भी दम दिखाया जाएगा। कौन कौन शामिल है ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल इस समय इस पूरे युद्धाभ्यास के दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी होंगे तब CDS अनिल चौहान भी मौजूद होंगे, आर्मी चीफ मनोज पांडे होंगे, वायुसेना प्रमुख VR चौधरी मौजूद होंगे और नौसेना प्रमुख R हरि कुमार भी मौजूद होंगे। सुरभि, चलिए तो इस बीच जिस तरीके से पोखरण में होने वाली भारत शक्ति को लेकर एक एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं, इस बीच बता दें खास मेहमान भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और कर्नल रिटायर्ड US राठौर सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले विनोद दत्ता सर, आज होने वाली इस भारत शक्ति में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसका आखिर महत्व क्या है? देखिए ये जिस तरह की एक्सरसाइजेज हैं ये एडवेंचर है और इसमें भारत अपनी जो शक्ति का प्रदर्शन करता है और जो तीनों सेनाएं हैं, मतलब सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों का एक समन्वय एक्सरसाइज की जाती है, कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज की जाती है। कई बार इसका नाम त्रिशक्ति रखा जाता है या इस तरह की जो एक्सरसाइजेज होती हैं, इसमें फायर पावर डेमो किया जाता है, जो हमारा इंडिजीनियस इक्विपमेंट है उसको, उसका जो पोटेंशियल है उसको टेस्ट किया जाता है और ये एक मोटिवेशनल या एक तरह का प्रेरक भी साबित होता है हमारे युवाओं के लिए, खासकर वो युवा जो भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अपनी सेवा देना चाहते हैं। तो और क्योंकि अब इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक हैं तो मोदी साहब ने भी ये बिल्कुल माकूल समय चुना है जब वो अपनी विश्व को और भारत के सभी लोगों को ये बता सकें कि भारत ने ये जर्नी कहाँ तक कवर की है, कितना हमने स्वदेशीकरण किया है और किस तरह का हमारा इक्विपमेंट है जो हमारे जो पड़ोसी हैं उनके लिए भी एक एक मैसेजिंग है, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है कि भारत अब एक रीजनल पावर तो है ही। वो अब क्योंकि आप देखिए अग्नि का भी कल सफल
परीक्षण हुआ है, बिल्कुल बताता है सर। देखिए यही तो है लगातार कि भारत अपनी क्षमताओं को कैसे बढ़ा रहा है। राठौर सर, खास तौर पर आज युद्धाभ्यास के दौरान कई डिफेंस अटैचे भी शामिल होंगे, यानी वो डिफेंस अटैचे जो देश की रक्षा प्रणाली को, रक्षा क्षेत्र को या रक्षा चीजों को दुनिया भर के तमाम देशों में शामिल रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे में भारत की मेक इन इंडिया की मार्केट जो है, एक बिजनेस कह सकते हैं, एक नया सेक्टर कह सकते हैं, उसको भी एक बल मिलेगा। जरूर, इसमें जो अभी ये बहुत बड़ा इवेंट होता है और एनुअल इवेंट हुआ है, मैंने 92 में इसको अटेंड भी किया हुआ है। इसमें जो होता है, आपने जैसा कहा कि डिप्लोमेट्स हैं, इनको बुलाएंगे, क्योंकि भारत अपने हथियारों को बाहर बेचने की कोशिश कर रहा है। इससे अच्छा सेल्स पिच का कोई जगह नहीं मिल सकता। यहाँ पर नए हथियारों का वैलिडेशन भी होता है और नए हथियारों को इंटीग्रेट भी किया जाता है। तो ये बहुत बड़े स्केल पे एक्सरसाइज होती है। इसका सिर्फ एक सेल्स पिच या डिमॉन्स्ट्रेशन का वैल्यू नहीं है, इसके अंदर में एक प्रॉपर एक्सरसाइज लिखी जाती है। उस एक्सरसाइज में टाइमिंग के मुताबिक हर हथियार को वैलिडेट किया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस आंकी जाती है। आज के लिए बड़ा इसलिए है कि कहीं ना कहीं भारत ने हर क्षेत्र में आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में इंडिजनाइज किया है। तो आज आप देखें कि हर आर्म्ड फोर्स जो है, हर सर्विसेज कुछ ना कुछ नया इंडिजनाइज्ड वेपन और इक्विपमेंट लेकर के आज पोखरण में उतरे। पोखरण में इसी युद्धाभ्यास को लेकर बड़ी खबर यह भी है कि युद्धाभ्यास में शामिल होंगे सिर्फ स्वदेशी हथियार। एक और बड़ी खबर, थल, जल और वायु सेना के देश में बने हथियारों को लेकर खबर है। तीनों सेना के सभी बड़े हथियार इसमें शामिल होंगे। तो भारत शक्ति युद्ध अभ्यास को लेकर ये बड़ी खबरें लगातार आपको TV9 भारतवर्ष बता रहा है। लेकिन आज भारत शक्ति युद्ध अभ्यास में सुमित, सेना के कौन कौन से स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा, इसकी भी पूरी लिस्ट है सुमित। देखिए, सबसे खास बात यह है कि सबसे पहले अगर बात करें कि भारत की शक्ति में सेनाओं की स्वदेशी ताकत की एक पूरी झलक दिखेगी, सबसे पहले नाम आ जाता है ब्रह्मोस मिसाइल का। ब्रह्मोस के बारे में हम सब जानते हैं कि इसके लैंड हो, सी हो या फिर आप इसके एरियल वर्जन जो है, वो सारे हमने इसके सफल परीक्षण किए। इसके बाद अस्त्रा मिसाइल की भी बात की जाएगी सुरभि। बिल्कुल, आकाश मिसाइल सिस्टम, इसके साथ ही पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और साथ ही T-90 टैंक को लेकर भी सुमित खबर है। बिल्कुल, और देखिए इसके बाद सबसे ज्यादा नजर होगी K-9 वजर हॉविट्सर गन के ऊपर, यानी वो तोपखाने की, वो आप कह सकते हैं कि एक बड़ी तोप है जिसने हमें कई लक्ष्यों को भेदने में बहुत मदद की और हाल ही में 2020 के बाद भी इसका जो इसकी डिप्लॉयमेंट थी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई और धनुष हॉविट्सर भी इसमें शामिल होगी सुरभि। इसके अलावा BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, साथ ही AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर भी खबर है। समर एयर डिफेंस सिस्टम, इसको लेकर भी सुमित जानकारी मिल पा रही है। जी बिल्कुल, देखिए और करियर मोटार ट्रैक के अलावा लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल, यानी जो व्हीकल हैं उनको भी इस्तेमाल किया जाएगा। माउंटेड गन सिस्टम है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ये देखिए, ये सारी चीजें इसलिए क्योंकि ये सब भारत में ही बन रहा है। और खास बात ये कि भारत अब दुनिया भर के तमाम देशों को इनको सप्लाई करने जा रहा है। बिल्कुल, और अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट के साथ साथ गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब और निपुण माइन के साथ साथ स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन भी और साथ ही रॉकेट 6-8 mm भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। तो युद्ध अभ्यास को लेकर ये बड़ी खबर आपके सामने हमने रखी, जहां भारत शक्ति में सेना की स्वदेशी ताकत को देखते हुए ये जानना और समझना बहुत जरूरी है राठौर सर, कि भारत इस स्वदेशी ताकत के बलबूते क्या मैसेज देगा, क्या बड़े संकेत दुनिया के सामने जाएंगे। देखिए सुरभि, रूस यूक्रेन वॉर में एक बहुत बड़ा मैसेज सामने आया है कि आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है जी। आज यूक्रेन जिस तरीके से परेशान है वो इसलिए है कि वो मांगे के हथियार और अमुनिशन पर लड़ रहा है। तो ये आत्मनिर्भरता के बारे में एक बहुत स्ट्रांग मैसेज गया है और भारत ने इसको बहुत सीरियसली लिया है। आपने जो स्पेक्ट्रम दिखाया, एक असॉल्ट राइफल से लेकर के आपके एयर डिफेंस मिसाइल तक या बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का, ये स्पेक्ट्रम खुद अपने आप में दर्शाता है कि भारत प्रयत्न क्या कर रहा है। और भारत ये प्रयत्न कर रहा है कि हम इंडिजनाइज करें, हम आर्म्स एक्सपोर्टर बने और हमारा क्वालिटी ऐसा हो कि वर्ल्ड में वो रिकग्नाइज हो और संकट के समय पे हम
को दूसरे का मुंह ना देखना पड़े, दूसरे का मुंह ना देखना पड़े, और खासतौर पर आपके पास अपना एक कह सकते हैं असला हो, अपने गोले बारूद हो। और दत्ता सर देखिए, जॉइंटनेस की बात कह रहे थे राठौर सर, जॉइंटनेस एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हम थिएटर कमांड की बात कर लीजिए या फिर आप स्पेशल फोर्सेज की जॉइंटनेस की बात कर लीजिए, ये एक मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण कदम है जो भारत की क्षमताओं को एक साथ लाके और ज्यादा मजबूत करेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए थिएटराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही उम्दा कॉन्सेप्ट है, और उसमें न केवल हम अपनी रिसोर्सेज को सिनर्जाइज करते हैं, हमारा जो पंच जो है वो आयरन पंच है, वो डिलीवरी सिस्टम है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और भारत ने देखिए इस पे ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है, बल्कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी आ चुका है। आप ये देखिए जिस तरह से भारत अपने जो फॉर्मेशंस है उनको री इंजीनियर या उनको री डिप्लॉय कर रहा है, आपने देखा होगा कि बरेली बेस्ड जो एक स्टैटिक फॉर्मेशन था उस कोर हेडक्वार्टर के रूप में या कोर के रूप में उसको तब्दील किया जा रहा है। रही बात हमारे जो वेपन जो आत्मनिर्भरता आ रही है उसमें आप देखिए कि 13,000 करोड़ के वेपन्स हमने अब तक एक्सपोर्ट किए हैं, आकाश मिसाइल फिलीपींस, वियतनाम, यूएई, ऐसे देशों में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया, ब्रह्मोस फिलीपींस से 375 करोड़ का हमारा करार रहा है, तेजस हमने मलेशिया और अर्जेंटीना को दिए हैं, म्यांमार 17% हमारा इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहा है, श्रीलंका 25% हमारा इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहा है, आर्मेनिया 11% कर रहा है, तो इन सब सऊदी अरेबिया 25% कर रहा है और उसका जो इम्पोर्ट था वो भारत की तरफ अब झुकाव ज्यादा है। तो ये सब चीज बताती है कि भाई कैसे हम आत्मनिर्भर अपने आप को कर रहे हैं और कैसे हम एक रीजनल पावर से एक सुपर पावर की तरफ सर्टेनली और श्योरली बढ़ रहे हैं। ओवरऑल इस युद्धाभ्यास को लेकर आत्मनिर्भर भारत की हमने बात की, लेकिन आज के युद्धाभ्यास के लिए नौसेना की तैयारी को लेकर अगली बड़ी खबर आपके सामने और इन्फॉर्मेशन की किस तरीके से नौसेना के महाअस्त्रों का भी प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा, ये जानना भी बहुत जरूरी है नौसेना के शौर्य अस्त्र के बारे में। सुमित, जहां पहली खबर नेवल एंटी शिप मिसाइल को लेकर, मारीस टॉर्पेडो को लेकर, वेपनाइज बोट स्वॉर्म को लेकर, और जी हाँ फायर फाइटिंग रोबोट्स को लेकर और CNT बेस फायर फाइटर शूट को लेकर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लाइट टॉर्पिडोज, इसके अलावा नेवल वर्जन की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कई ऐसे देश हैं हमारे देश के आसपास पड़ोसी मुल्क हैं जिनको ये सारी चीजें चाहिए। और इसके अलावा अब आपको बताते हैं कि भारत शक्ति युद्ध अभ्यास में पहली बार कौन कौन से हथियार आज अपना फुल एक्शन दिखाने वाले हैं। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा तेजस फाइटर, यानी तेजस फाइटर की हम बात कर लीजिए, तेजस फाइटर जेट की बमबारी होगी। हालांकि देखिए इसमें हेलीकॉप्टर की तस्वीर है, 100 क्लस्टर ड्रोन की पेलोड के साथ ये उड़ान भरेगा। सुरभि, धनुष, पिनाका, K9 पहली बार एक साथ आएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। लेकिन इस बीच ये इंफॉर्मेशन भारत के इस युद्ध अभ्यास में, इस शक्ति प्रदर्शन में कौन कौन से हेलीकॉप्टर्स का एक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर का एक्शन और साथ ही एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर Mark 3 और Mark 4 को लेकर भी सुमित इंफॉर्मेशन है। मिशन दिव्यास्त्र के तहत Agni-5 मिसाइल की सफल लॉन्चिंग, भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है Agni-5, MIRV टेक्निक से लैस Agni-5 मिसाइल को लेकर बड़ी खबर आपके सामने डिटेल में होगी, जहां आपको यह भी बता दें कि दुनिया में सिर्फ 6 देशों के पास MIRV टेक्निक है। और देखिए भारत के पास ये क्षमता आ जाने के बाद दुनिया भर की नजरें इस समय भारत पर, और मिशन दिव्य शक्ति Agni-5 का महादाम, यानी कैसी है ये देश की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM इसको कहते हैं। देखिए रेंज 5,000 किलोमीटर से अधिक की है, खास बात ये भी कि रेंज जरूरत पर रेंज बढ़ाने की क्षमता भी है, यानी इसको और रिडिफाइन किया जा सकता है, क्षमता एक साथ कई हथियार ले जाने की है। न्यूक्लियर जो वॉरहेड है वो करीबन 1.5 टन का है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी स्पीड आवाज से 24 गुना ज्यादा है, ऊंचाई 17 मीटर, वजन 50 टन है। सबसे खास बात यह कि एडवांस MIRV मिसाइल से, यानी उस तकनीक से लैस है। और देखिए MIRV से लैस इस Agni-5 को, इसकी खूबियत क्या है, इसकी खासियत क्या है, यह भी आपको बता देते हैं। एडवांस MIRV मिसाइल है Agni-5, और MIRV मिसाइल है
अग्नि 5। अब एडवांस MIRV मिसाइल अग्नि 5 को लेकर इसका जरा एक अर्थ भी आपको बता देते हैं। इसकी फुल फॉर्म जहां MIRV का अर्थ है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। हालांकि एक मिसाइल में एक वॉरहेड ले जाया जा सकता है और MIRV में मल्टीपल वॉरहेड एक साथ ले जाए जा सकते हैं। अग्नि 5 के बारे में आप बता रहे थे, MIRV से लेस अग्नि 5 की डिटेल सुमित याम रख रहे हैं, जिसमें दुश्मन के अलग अलग लक्ष्यों को एक साथ भेदने में भी ये सक्षम बताया जा रहा है। यहाँ इसे ये भी कहा जाता है कि इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है, यानी इसका डिप्लॉयमेंट सुर भी बहुत आसान है। चुनिंदा देशों के पास ये तकनीक है, भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये वो 6 मुल्क हैं जिनके पास ये तकनीक है। पाकिस्तान, इसराइल ऐसे देश भी हैं जो लगातार इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। राठौर सर, देखिए अग्नि 5 का MIRV से लगातार परीक्षण किया जाना सभी देशों ने शुभकामनाएं दी, लेकिन कई ऐसे भी देश हैं खासतौर पर चीन को लेकर बहुत ज्यादा डरा हुआ, लगातार इसको लेकर बयानबाजी भी कर रहा है। देखिए चीन का बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन आया है, उन्होंने बोला है कि ये जो परीक्षण है वो सफल हुआ, लेकिन उसने एक बात कही है कि इंडिया आज भी ICBM क्लब में शामिल नहीं हुआ है, क्योंकि अग्नि 5 की जो रेंज बताई जा रही है वो 5000 किलोमीटर है, मिनिमम 8000 किलोमीटर होना चाहिए तभी इंडिया को एक्सक्लूसिव क्लब जो ICBM का जो आपने अभी देशों के नाम गिनाए उसमें शामिल होगा। एक बात और भी ग्लोबल टाइम्स कहता है कि इस MIRV की जो अग्नि 5 है इसकी क्षमता 2 से 10 वॉरहेड ले जाने की है, इसके बारे में खुलासा नहीं किया गया है भारत की तरफ से, लेकिन उसने ये कयास लगाया कि 2 से 10 वॉरहेड ये ले जा सकती है और ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है चीन जैसे शत्रु देश से भारत की तकनीकी सफलता के लिए कि 2 से 10 वॉरहेड ले जाने की क्षमता रखती है ये मिसाइल। लेकिन वेस्टर्न प्रेस ने बिल्कुल मान लिया है कि भारत ने ICBM क्लब में एंट्री कर दी है, आगाज कर दिया है। बिल्कुल, और दत्ता सर इसी पर आपका रिएक्शन भी चाहूंगी, क्योंकि दिव्यास्त्र के साथ साथ प्रधानमंत्री के पोखरण दौरे को लेकर जिस तरीके से अभी तक हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते आ रहे हैं, जाहिर सी बात है चीन का रिएक्ट करना तो एक्सपेक्टेड था। हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे ज्यादा जो इसका इम्पैक्ट है या इसकी जो चुभन है वो चीन को है, जैसा अभी साहब ने, राठौर साहब ने बताया। और ये चीज मैं बताता चलूं कि चीन किसी भी प्रकार का खंडन करे, क्योंकि भारत के पास वो क्षमता है, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 5000 से लेके 8000 किलोमीटर तक की है, तो ये यकीनन ICBM क्लब में एंट्री के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है और हो गया है क्या। और इस इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चीन के लिए इस तरह के जो वक्तव्य देना या इस तरह की बौखलाहट करना वो बिल्कुल लाजमी है। और देखिए पहले किसी ज़माने में जब चीन की इस तरह की मिसाइल थी तो हमारा लखनऊ या इस तरह का पूरा जो एरिया था वो जद में आता था, आज चीन के किसी भी देश, किसी भी सिटी में या किसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे या टारगेट पे हम वॉर कर सकते हैं अगर इस तरह की सिचुएशन अराइज होती है, तो ये चीन के लिए एक काफ़ी चिंता का विषय है। रही बात उसने कोल्यूजन जो पाकिस्तान के साथ किया है, अगर आप चीन का एक्सपोर्ट भी देखें तो करीब 61% उसने वेपन्स पाकिस्तान को एक्सपोर्ट किए हैं और 11% बांग्लादेश को, वो हमको घेरने की कोशिश तो कर रहा है, वो जिस तरह से वेपनरी वहाँ मतलब एक्सपोर्ट कर रहा है या जिस तरह से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का उसने अपना जो चयन किया है, लेकिन भारत ने भी उसके काउंटर या उसके जो तोड़ है वो निकाल लिए हैं। और चीन के लिए अब एक कोई, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ए केक वॉक, और वो जिस तरह से पहले चीन समझता था कि भारत कोई फॉर्मिडेबल मतलब डिफेंस प्रोड्यूस नहीं करेगा, अब तो हमारी जो सोच है वो अग्रेसिव डिफेंस की है। अग्रेसिव डिफेंस के तहत क्या हम यहाँ पर सुमित समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष क्षेत्र में खतरों का जिक्र करना भी जरूरी बना हो बिल्कुल, जाता है? बिल्कुल सुरभि, देखिए यही बात है कि आज के समय में भारत हर एरिया के अंदर अपनी डेवलपमेंट कर रहा है। पिछले 3 से 4 दिन से देखिए आप लगातार, पहले सेना टनल कह लीजिए आप अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद एक दिन बाद ही लगातार अग्नि 5 की बात कर लीजिए और आज पोखरण में ज्वाइंट एक्सरसाइज करना। राठौर सर मैं आपको भी इंक्लूड करना चाहूंगा इसमें, क्योंकि देखिए हर सेक्टर के अंदर अपने आप को मजबूत करना, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो हथियार हो, चाहे आपकी ज्वाइंटनेस हो, चाहे आपकी प्लानिंग हो, हर क्षेत्र में भारत अब एक कदम आगे सोच रहा है, एक कदम आगे काम कर रहा है, ये भारत के लिए मेरे ख्याल से एक नया निर्णायक दौर है।
देखिए यहाँ पर एक जो खास चीज़ बदलाव जहाँ मुझे दिखता है वो ये है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़े हैं। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी सेला टनल का उद्घाटन हुआ, इसी तरीके से यहाँ तक कि चीन भी इस बात को मानता है कि हमने नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए हैं। अब आती है बात कि तीनों सेनाओं में समन्वय होना, वो भी एक चीज़ है जिसको हमने वाकई प्रोजेक्ट के तौर पर लेके हम आगे बढ़े। वो दिन गए जब हम अपने अपने चैम्बर और वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डेवलपमेंट और ऑपरेशंस की बात करते थे, तो ज्वाइंटनेस पे बहुत जबरदस्त फोकस है। बिल्कुल, ज्वाइंटनेस की आप बात कर रहे हैं तो भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना के शक्ति प्रदर्शन को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां स्वदेशी उपकरण और प्लेटफॉर्म की क्षमता प्रदर्शित की जाएगी। आप सभी एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।